आज मैं बनाने वाली हूँ आलू पराठा। एकदम सिंपल सी रेसिपी है, हर किसी का फेवरेट, हर घर में बनने वाला आलू का पराठा। बस थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर आप फॉलो कर लेना तो ये पराठा कोई भी बना सकता है, वो भी एकदम फूले फूले, एकदम सॉफ्ट। और वो ढाबों पे जो मिलता है, जो रेस्टोरेंट में मिलते हैं ना, एकदम टेस्टी वाले पराठे, वैसा ही बनेगा। तो बस आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और आप भी बना सकते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल पराठे। तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा लिया है, उसमें 4 टेबलस्पून बेसन डाला है। बेसन डालने से ये बहुत ही, इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है। और थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे और सॉफ्ट सा डो रेडी कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि डो जितना अच्छा बनेगा हमारा पराठा भी उतना ही अच्छा बनेगा, इसलिए आप डो को बहुत टाइम देकर आराम से अच्छा सा एक डो रेडी करें, और वो भी सॉफ्ट और स्मूथ सा। यहाँ पे फिर मैंने 1 चम्मच घी डाला है। घी डालने से ये और भी सॉफ्ट बनता है। तो घी डालने के बाद इसे अच्छे से मसल लेना है और अच्छे से मसल कर एक सॉफ्ट सा और स्मूथ सा डो रेडी कर लेना है, और उसे 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देना है। 15 मिनट में अच्छे से वो सेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ढककर 15 मिनट के लिए रख दिया है। तब तक हम अपने स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे पोटैटो मॉर्निंग में ही बॉईल कर लिया था, ये रूम टेम्परेचर पे है। ध्यान रहे पोटैटो गर्म नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। उसे ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने से क्या होगा कि उसमें चंक्स नहीं होंगे और थोड़ा स्मूद होगा, तो वो पराठे में जब हम उसको स्टफ करेंगे तो वो चंक्स बाहर आ जाते हैं और हमारे पराठे फट जाते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। एंड यहाँ पे अदरक और मिर्ची का पेस्ट लेंगे 1 बड़ा चम्मच। धनिया मैंने यहाँ बारीक काट के लिया है। थोड़े से ड्राई मसाले जैसे धनिया पाउडर, भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, हींग, गरम मसाला, चाट मसाला पाउडर 1 चम्मच, और यहाँ पे कसूरी मेथी लिया है 1 बड़ा चम्मच। नमक डालेंगे, अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप यहाँ आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे बॉल्स इसके बना के रेडी कर लेंगे। जितना बड़ा हमें पराठा बनाना है उतना बड़ा स्टफिंग का बॉल्स रेडी कर लेंगे। 15 मिनट हो चुका है, हमारा डो भी अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब चलते हैं पराठे बनाने। इसके लिए मैंने लिया है 1 पेड़ा। जितना बड़ा मुझे पराठा बनाना है उसके हिसाब से मैंने ये पेड़ा ले लिया है और डस्टिंग कर लिया है दोनों साइड। अब अपने फिंगर के हेल्प से ऐसे प्रेस करते हुए, ऐसे रोल करते हुए इसे अच्छे से फ्लैट करते जाएंगे, जैसे पूरी की साइज होती है ना वैसे। तो थोड़ा बड़ा हो जाए ये, जब पूरी की साइज का हो जाए तो इसके बाद यहाँ पे हम ऑयल ग्रीस करेंगे या बटर या घी लगाएंगे अच्छे से, और उसके ऊपर थोड़ा सा डस्टिंग करेंगे, और उसके ऊपर जो हमने स्टफिंग का बॉल बनाया है वो सेंटर में रखेंगे। और रखने के बाद साइड से जो ये आटा है उसे अच्छे से ऐसे रोल करते हुए घुमाते हुए उसे क्लोज कर देंगे, और एंड में जो आटा बचेगा उसे हम तोड़कर निकाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पे फिर से डस्टिंग करेंगे दोनों साइड, और सेंटर से ऐसे प्रेस करते हुए साइड तक जाएंगे। सेंटर से प्रेस करने से ये पूरा स्टफिंग फैल जाएगा पूरी तरह से पराठे के अंदर। तो उसके बाद यहाँ पे हम रोल करेंगे सेंटर से ऊपर और नीचे अच्छे से, हल्के हाथों से रोल करेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें प्रेशर नहीं लगाना है, और हल्के हाथों से रोल कर करके पूरे आटे को हमें फैला लेना है। तो ये हमारा पराठा बनकर रेडी हो चुका है। बनाना एकदम परफेक्ट पराठा। और इसके बाद इसे गरम तवे पे डालेंगे, और एक तरफ अच्छे से सिक जाने के बाद दूसरी तरफ पलटेंगे। और उसके बाद जब उसको दूसरी तरफ फिर से पलटेंगे तो वो एकदम देखिए फूला फूला सा बन गया है। अब देखिए एकदम बना है ना, एकदम फूला फूला सा पराठा, और ये बहुत ही अच्छा, और आपसे भी ऐसा ही बनेगा। बस इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर बटर या घी जो भी आप लगाना चाहे अच्छे से लगा ले, और दोनों तरफ पराठे को अच्छे से सेक लेंगे, और जितना अच्छा सेकेंगे ना पराठा उतना अच्छा बनेगा। तो अच्छे से इसे दोनों तरफ सेक लीजिए, और ये देखिए मेरा पराठा ये बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसे आपको दिखाती हूँ कि इसकी स्टफिंग जो है वो कितने अच्छे से स्प्रेड हुई है। ये देखिए स्टफिंग कहीं भी नहीं, ऐसा जगह नहीं है कि ये जो हमारी स्टफिंग है वो नहीं है, पूरे अच्छे से पराठे के एकदम कॉर्नर कॉर्नर तक ये अच्छे से स्प्रेड हो गई है। तो बस इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे बनाते टाइम तो हमारा भी पराठा ऐसा ही बनेगा। तो जो मेरा शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि इतनी सारी चटनियाँ हैं वो क्या है, कैसे बनाया। तो ये एक हरी वाली जो है वो ग्रीन चटनी जो है मैंने मिंट, धनिया, टमाटर से बनाया था, जिसमें लहसुन, मिर्ची, अदरक, जीरा डालकर, नमक डालकर मैंने बनाया था। और जो दूसरी चटनी मैंने बनाई थी वो थी पीनट की चटनी, उसके लिए भी बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि ये क्या है, क्या किस चीज़ की चटनी है। तो ये पीनट की चटनी है, रोस्टेड पीनट लिया है मैंने, उसमें बस लहसुन और मिर्ची डालना है, नमक डालना है और पानी डालकर ग्राइंड कर लेना। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं या इसमें तड़का मार सकते हैं राई जीरा और करी पत्ता का। एंड इसके बाद कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि टमाटो सॉस नहीं है, तो इसके लिए मैंने इस बार टमाटो सॉस भी रखा है। और ये मिर्ची का अचार जो मैंने घर पर बनाया था, ये मैंने हरी मिर्ची जो आती है ना बड़ी वाली उससे बनाया था। इसकी रेसिपी मैं बाद में शेयर करूंगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।